कम होने के चलते गेहूं का एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। सरकार केवल उन देशों को गेहूं एक्सपोर्ट कर रही है जहां इसकी ज्यादा जरूरत है। करीब 2 महीने से एक्सपोर्ट बंद होने के बावजूद गेहूं के भाव में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इंदौर और उज्जैन में गेहूं के भाव में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इंदौर और उज्जैन में गेहूं का भाव 2500 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुँच गया है। केंद्र सरकार अब 25 किलो से ज्यादा पैकिंग वाले गेहूं के बोरे पर जीएसटी नहीं लगाएगी। सरकार के इस कदम से मंडी कारोबारियों को काफी चैन मिला है। पिछले 3 दिनों में गेहूं के भाव में बंपर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं मंडी में गेहूं का भाव 2500 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच चुका है। आपको बता दें कि सरकार ने गेहूं पर 5% जीएसटी लगाया था, लेकिन कारोबारियों के विरोध के चलते सरकार ने गेहूं से जीएसटी हटा दिया है। जीएसटी हटने के बाद व्यापार में तेजी दिखाई दी है। गेहूं में करीब 150 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।